नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में लगभग 37,000 शिक्षकों के बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी का परिणाम घोषित करने का आदेश दे दिया है। इससे सूबे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनाएगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद जिलावार नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियोजन इकाइयां रोस्टर और मेरिट के अनुसार रिक्त सीटों पर मेरिट सूची बनाएगी। आपको बता दें कि सूबे के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया, साथ ही ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम घोषित करने को हरी झंडी भी दे दी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भविष्य में एसटीईटी के लिए सिलेबस बनाने का निर्देश भी दिया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दो बिंदुओं पर एसटीईटी की पुनर्परीक्षा को चुनौती दिया था। पहला विरोध ऑनलाइन परीक्षा को लेकर था तो दूसरा परीक्षा के सिलेबस तय नहीं होना बताया गया था। वहीं राज्य सरकार तथा बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर तथा ज्ञान शंकर ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कोर्ट को यह भी कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा सबसे सुरक्षित है, इस पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। सितंबर 2020 में ऑनलाइन के जरिए हुई पुनर्परीक्षा में कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। वहीं सिलेबस के मुद्दे पर बोर्ड की दलील थी कि परीक्षा विज्ञापन में ही यह साफ कर दिया गया था कि प्रश्न उच्चतर माध्यमिक सिलेबस तक के पूछे जाएंगे। कोर्ट ने बोर्ड की दलील को मंजूर करते हुए ऑनलाइन परीक्षा को सही निर्णय करार दिया और कहा कि भविष्य में होने वाली एसटीईटी के लिए सिलेबस बनाया जाए। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में जारी किया गया था। इसकी ऑफलाइन परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी। इस परीक्षा में 4 केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने के लेकर हंगामा हुआ था। हंगामा करने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इसी बीच अनियमितता पाए जाने पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उसके बाद बिहार बोर्ड ने सितंबर 2020 में ऑनलाइन परीक्षा ली। इस परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाते हुए कुछ छात्रों ने याचिका दायर कर दी थी। तब हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया और रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया। बताते चले कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 पद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। 7 साल बाद एसटीईटी की परीक्षा हुई थी, यही कारण था कि उम्र सीमा में छूट भी दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके मन में शिक्षक बनने को लेकर निश्चित रूप से उम्मीद बढ़ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने का देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।